नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम सरकार आपके साथ में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। सरकार आपके साथ एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम सरकार की उन योजनाओं के बारे में आप तक विस्तार से जानकारी पहुंचाते हैं जो कि किसानों के लिए, आम नागरिकों के लिए बनाई गई हैं, ताकि वो इसका लाभ ले सकें, इसके बारे में जागरूक हो सके। इसलिए तमाम घटकों के बारे में विस्तार से जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आप तक पहुँचाई जाती है। तो आज का क्या है विषय, किस योजना के बारे में आज हम विस्तार से आपको जानकारी देंगे? जी हाँ, आज हम बात करेंगे स्वास्थ्य की, और इसमें खास तौर पर हम बात करने वाले हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में। कैसे अपनी विरासत को, जो कि आयुर्वेद के रूप में हमें मिली है, इसे और बेहतर तरीके से स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करते हुए गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है, स्वास्थ्य सेवाओं को और आसान और सस्ता बनाया जा सके, ये भी इस योजना का मकसद है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं इस योजना का सार। हमारे देश में इलाज की कई पद्धतियां प्रचलित हैं। हालांकि एलोपैथी, जिसे आम बोलचाल में अंग्रेजी पद्धति भी कहा जाता है, सब पर भारी है, लेकिन मानवता की सेवा में दूसरी पद्धतियों की भूमिका भी काफी महत्वपूर्ण है। आयुर्वेद भारत की प्राचीन पद्धति है। इसके अलावा यूनानी और होम्योपैथी भी लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है। साथ ही योग और प्राकृतिक चिकित्सा भी अपनी जड़ें जमाने में लगी है। इसी तरह सिद्ध भी इलाज का एक तरीका है। कुल मिलाकर भारत के पास पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की एक शानदार विरासत है। ऐसी विरासत जो स्वास्थ्य सेवा के लिए ज्ञान का अद्भुत खजाना है। इसी खजाने के प्रचार प्रसार के लिए देश में राष्ट्रीय आयुष मिशन चलाया जा रहा है। आयुष मंत्रालय ने 29 सितंबर 2014 को इस मिशन की मंजूरी दी थी। हालांकि ये केंद्र प्रायोजित योजना है, लेकिन लागू करने की जिम्मेदारी राज्यों और केंद्र शासित सरकारों के पास है। इसकी वजह ये है कि हमारे देश में सार्वजनिक चिकित्सा दरअसल राज्यों का विषय है। राष्ट्रीय आयुष मिशन का मुख्य उद्देश्य सस्ती आयुष सेवाएं उपलब्ध कराना है। इसके लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और जिला अस्पतालों में आयुष सुविधाओं का इंतजाम किया जा रहा है। साथ ही आयुष अस्पतालों और औषधालयों को जरूरी दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, और केवल राज्य सरकार के आयुष अस्पतालों और औषधालयों को बेहतर बनाया जा रहा है। इसके अलावा 50 बिस्तर तक के एकीकृत आयुष अस्पताल की स्थापना और राज्य सरकार के शैक्षिक संस्थानों को बेहतर बनाया जा रहा है। जिस राज्य में ये उपलब्ध नहीं है, वहाँ योग और प्राकृतिक चिकित्सा सहित नए आयुष शिक्षण संस्थानों की स्थापना का प्रावधान है। इतना ही नहीं, मिशन के अंतर्गत आयुर्वेद, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी फार्मेसियों सहित औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का सुदृढ़ीकरण भी हो रहा है। साथ ही औषधीय पौधों की खेती और उनका संवर्धन भी इस मिशन के उद्देश्यों में शामिल है। औषधीय पौधे दवाओं के लिए कच्चा माल है। इनकी खेती को बढ़ावा देने से दवा निर्माताओं को कच्चे माल की लगातार आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी। 2022 आयुष मंत्रालय के लिए ऐतिहासिक साल रहा। इस दौरान मंत्रालय ने न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि वैश्विक स्तर पर प्रभावी ढंग से अपने दृष्टिकोण और मिशन को मजबूत किया। 2022 में प्रधानमंत्री ने आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी में 3 राष्ट्रीय आयुष संस्थानों का उद्घाटन किया। गोवा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, गाजियाबाद में राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा संस्थान और दिल्ली में राष्ट्रीय होम्योपैथी संस्थान। ये संस्थान सामूहिक रूप से गुणवत्तापूर्ण मानव संसाधन और प्रशिक्षित आयुष पेशेवरों का एक पूल तैयार करेंगे। इन संस्थानों के माध्यम से लगभग 400 छात्र लाभान्वित होंगे। साथ ही मरीजों की देखभाल के लिए 550 अतिरिक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। WHO के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की भी स्थापना भारत में हो चुकी है। एक विकासशील देश में इस तरह का पहला केंद्र गुजरात के जामनगर में तैयार किया गया है। सरकार का एक मकसद आयुष सिद्धांतों और प्रथाओं के आधार पर देश में वेलनेस मॉडल की सेवाएं प्रदान करना है, ताकि बीमारी के बोझ और जेब पर पड़ने वाले खर्च को कम करके स्व देखभाल के लिए जनता को प्रेरित किया जा सके। ये मिशन विशेष रूप से पिछड़े और दूर दराज के क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की खामियों को भी दूर कर रहा है। कोरोना के दौरान प्रतिरोधक क्षमता मजबूत करने के लिए गैर एलोपैथी पद्धतियों की ओर लोगों का झुकाव देखा गया। शायद यही कारण रहा कि आयुष मंत्रालय ने राज्य सरकारों को सलाह दी कि वो कोविड-19 को कम करने में आयुष बुनियादी ढांचे के उपयोग को सुगम बनाएं।
तो अभी आपने जाना योजना का सार। इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहें सरकार आपके साथ। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सरकार आपके साथ, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, और विस्तार से इसके बारे में जानकारी लेने के लिए चलते हैं एक्सपर्ट के पास। राष्ट्रीय आयुष मिशन पर हम बात कर रहे हैं और इसके बारे में और विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कविता गर्ग जी, जो कि संयुक्त सचिव हैं आयुष मंत्रालय भारत सरकार में। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका कार्यक्रम में। नमस्ते। और जी, और जैसे कि हम इस स्कीम के बारे में बात करें, इस योजना के बारे में जो कि 2014 से ये अस्तित्व में आई, हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसकी ज़रूरत क्यों महसूस हुई, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आयुर्वेद है वो तो हमारी संस्कृति का हिस्सा रहा है और घर में छोटा मोटा हर कोई कुछ ना कुछ आयुर्वेद से जुड़ा हुआ इलाज करता ही रहता है, लेकिन इसे एक स्कीम की तरह लॉन्च करने के पीछे मकसद क्या था? 2014 में हम लोगों ने जब ये स्कीम 15 सितंबर 2014 को लेके आए थे, उससे पहले 4 अलग अलग स्कीम मंत्रालय में चल रही थी। तो एक बीके चतुर्वेदी कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि एक अम्ब्रेला स्कीम लाई जाए जो इन चारों सेगमेंट्स को कवर कर सके। उस हिसाब से इसके अंदर अभी जो हमारा स्कीम है नेशनल आयुष मिशन, उसमें 4 सेगमेंट पर हम बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। फर्स्ट उसके अंदर है आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स का कंसेप्ट, जो कि 2020 में ही इंट्रोड्यूस हुआ है और 2021 से हमने इसको लागू किया गया है। इसमें हम पूरे गांव में हर विलेजर के पास, एक कंसेप्ट आपने सुना है एक्सेसिबल अफोर्डेबल एंड अवेलेबिलिटी, तो उसको निश्चित कराने के लिए कि जो हमारी सुविधा है वो हर सिटीजन के पास अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, और उसका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर और डिजीज का जो बर्डन है वो उसके ऊपर सबसे कम हो, इसलिए ये आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स को आयुष्मान भारत के अंतर्गत लाया गया है। और 12,500 आयुष एंड हेल्थ वेलनेस सेंटर्स हम कर रहे हैं। यहाँ पर आपने एक और प्रश्न पूछा था कि आयुर्वेदा, मैं यहाँ बताना चाह रही हूँ कि आयुर्वेदा, योग एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, ये हमारे सिस्टम्स हैं, सिद्धा है और सोवा रिग्पा भी है, साथ में होम्योपैथी जो इंडियन सिस्टम नहीं है लेकिन आयुष के अंतर्गत हम ये ट्रेडिशनल मेडिसिन की तरह इसको भी उपयोग करते हैं। तो ये सारी विधाएँ मिलकर के हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल और स्टेट के कोलाब्रेशन में, हर स्टेट और यूटी में इसको 2014 से चला रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंदर जो अलग अलग स्कीमें थी या फिर जो डिपार्टमेंट्स थे उन्हें एक जगह कर दिया गया है ताकि इसकी दक्षता को और बढ़ाया जा सके और फोकस तरीके से इसमें काम हो सके। एक बात आपने ये भी कही कि गाँव तक एक सस्ता इलाज पहुँचाना भी इस मिशन की एक कोशिश है, और किस तरीके से ये हो पाएगा, मतलब जो इस अम्ब्रेला स्कीम के अंतर्गत गांव को इलाज कैसे मिलेगा, क्योंकि एक हेल्थ सर्विसेज का इशू हमेशा समस्या गांव के स्तर पर रहती है, तो इससे किस तरीके से और पहुंच पड़ेगी और सस्ता इलाज कैसे हो पाएगा? इसमें मैं आपको 4 इम्पॉर्टेंट सेगमेंट बताना चाह रही हूँ जो कि आयुष की प्रैक्टिसेस से रिलेटेड है। हम लोग हर इंडिविजुअल को आयुष के अंतर्गत एक होलिस्टिक वे में देखते हैं, और जो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का कंसेप्ट है उसमें हर सिटीजन को सिर्फ डिजीज का क्योर ही नहीं, सबसे पहले उस डिजीज को आने की उसको जरूरत ही क्यों पड़ी, तो प्रिवेंशन वाला भी एक एस्पेक्ट है, ताकि सेल्फ केयर, मतलब सिटीजन को इतना एम्पावर किया जाए कि वो सेल्फ केयर कर सके और उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो प्रिवेंशन, प्रमोशन, रिहैबिलिटेशन, पैलिएटिव केयर, ये इसके सेगमेंट हैं जिसमें कि हम ये चाहते हैं कि योगा एंड वेलनेस के थ्रू भी
हम सिटीजन को एम्पावर करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट सेगमेंट आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हमने जो किया है वो हर्बल मेडिसिन का है कि हर इंडिविजुअल को इस तरीके की ट्रेनिंग दिया जाए कि वो अपने बैकयार्ड में कुछ हर्बल मेडिसिन को लगा सके। और जैसे आप कह रहे थे कि बहुत सारी चीज़ें हम बचपन से यूज करते आए हैं, जैसे खांसी हो, जुकाम हो, अदरक की चाय ले लेनी है, तो वो सारी चीज़ें किस तरीके से साइंटिफिकली और लॉजिकली, आजकल हर जना हर बच्चा पूछता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, तो जो आयुष की विधा है वो रिसर्च बेस्ड है, उसका क्या एविडेंस है, उसके हिसाब से हम इसको जनता तक पहुंचा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आपने बताया कि जनता तक पहुंचाना इसका मकसद है और गांव पर भी काफ़ी फोकस है और एक लाइफस्टाइल चेंज भी इसके साथ हो, जैसे आपने वेलनेस सेंटर्स की बात की। तो मैम यहाँ पर यह भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या इसके कुछ जो अस्पताल स्थापित करने की बात कही जा रही थी, क्योंकि आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो सोचते हैं कि घरेलू नुस्खे हो गए, अस्पताल होंगे या फिर इस तरह के सेंटर्स होंगे, उतनी दूर तक सोच नहीं जाती। तो इसके जो डिस्पेंसरी हैं या अस्पताल हैं उनकी स्थिति क्या है, क्या उन्हें और बेहतर किया गया है या फिर कुछ मॉडिफिकेशंस उस क्षेत्र में? आपको ये जानकर के बहुत हर्ष होगा कि जो आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर ही उसका एक कंपोनेंट नहीं है, हमारी आयुष की डिस्पेंसरीज, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो प्राइमरी हेल्थ लेवल पर है नेशनल हेल्थ मिशन के साथ चल रहे हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, इन तीनों में हमारा कोलोकेटेड फैसिलिटी में आयुष का फिजिशियन उपलब्ध है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर का अपग्रेडेशन भी करते हैं, नए हॉस्पिटल्स भी, मतलब अभी 108 न्यू हॉस्पिटल्स क्रिएट किए गए हैं, अपग्रेडेशन किया गया उनका, और 109 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हैं जो कैपेबल मैन पावर को आयुष के सेक्टर में फिजिशियंस को प्रोवाइड कराने का माध्यम भी इसमें है। उसके अलावा जो हमारी एग्जिस्टिंग डिस्पेंसरीज है उनका भी अपग्रेडेशन, जैसे कोई डेलिपेटेड कंडीशन में है या किराए पे बिल्डिंग में चल रहा है तो उनको किस तरीके से अच्छा किया जा सकता है, तो इसके तहत हम अभी तक 3370 करोड़ रुपीज का खर्चा कर चुके हैं और बहुत अच्छे इसके रिजल्ट आए हैं। अभी जब हमने आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर की बात की थी तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमने स्टेट से जब डेटा कलेक्ट कराया तो 8.50 करोड़ बेनिफिशियरी हमारे आयुष हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर इसकी सुविधा प्राप्त किए हैं, जो बताता है कि इसका क्या परकोलेशन हो चुका है। जी जी बिल्कुल, तो बहुत ही उत्साहजनक ये आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि किस तरीके से इन सेंटर्स का या फिर इस पूरी योजना का लाभ जो है वो लोगों तक पहुंच रहा है और धीरे धीरे इसमें इजाफा ही हो रहा है। मैम अगला सवाल मेरा ये है कि ये एक हमेशा ही चर्चा का विषय रहता है कि एलोपैथी बेहतर है या फिर जो हमें विरासत में मिला है, हम आयुर्वेद है, यूनानी है, ये बेहतर है, क्या ये एक साथ सामंजस्य बनाकर आगे बढ़ने की एक कोशिश है, क्योंकि मकसद यही है कि स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हो, स्वास्थ्य बेहतर हो, या फिर कहीं ना कहीं ये भी कोशिश है कि इसे हम और बेहतर तरीके से स्थापित कर सकें, क्या एलोपैथी की जगह ये जो पद्धतियां हैं ये ले सकती हैं? यहाँ पर बहुत अच्छा एक मैं सेंटेंस कहना चाहूँगी कि जो आयुष की विधा है वो हमारा जो मॉडल है वो है यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, कि इंडिया का एक भी सिटीजन ऐसा ना रहे कि जिसे हेल्थ की फैसिलिटी ना मिले। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की स्कीम्स हैं और आयुष की स्कीम्स हैं वो एक दूसरे को कम्पीट नहीं कर रही है, वो एक दूसरे को सप्लीमेंट कर रही है। तो सिटीजन के पास क्या होगा, एक इन्फॉर्म्ड चॉइस होगा, उसके पास सारे फिजिशियंस हैं, एलोपैथी मॉडर्न मेडिसिन वाले भी हैं और आयुष के फिजिशियंस भी हैं, उसको जिससे जहाँ फ़ायदा महसूस होगा वो यूज कर सकता है। साथ में इसमें रेफरल और क्रॉस रेफरल का फैसिलिटी भी दिया जाएगा, आगे चल करके इंटीग्रेटेड मेडिसिन की तरफ धीरे धीरे आदमी बढ़ रहा है। क्रॉस रेफरल में क्या होगा कि कुछ चीज़ें यदि आयुष की विधाओं से सॉल्व नहीं हो पा रही है, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक एलिमेंट हो गए हैं, तो वो क्रॉस रेफरल में एलोपैथी को प्रेस्क्राइब कर सकते हैं, और कुछ विधाएं एलोपैथी की हैं यदि कुछ प्रॉब्लम्स एलोपैथी रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है तो वो अभी भी मॉडल्स हैं। हमारा निमांस बैंगलोर में मॉडल इंटीग्रेटेड मेडिसिन पे काम कर रहा है, जिसके अंदर कैंसर से रिलेटेड या प्रॉब्लम है या मेंटल इलनेस, मेंटल हेल्थ का मैटर है, वो आयुष की फैसिलिटी पर उसको रेफर करते हैं और दोनों ही तरीके से मरीजों को फ़ायदा हो रहा है। जी तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि दोनों ही तरीके से मरीजों को फ़ायदा हो रहा है, और एक जब भी किसी भी हम हेल्थ स्कीम की बात करते हैं तो महिलाओं की हेल्थ को कह सकते हैं एक प्राथमिकता रहती है या फिर अपने आप में काफ़ी संजीदा विषय हो जाता है, क्योंकि अगर महिला स्वस्थ होगी तो पूरे परिवार पर उसका सकारात्मक प्रभाव होगा। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के लिए उनकी प्रजनन क्षमता या फिर उनकी वेलनेस के लिए भी क्या कुछ खास किया गया है?
आपके माध्यम से मैं पूरी महिलाओं को ये बताना चाहूँगी कि पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम, 8 पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम हम नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत 2021 में लेके आए हैं। उन पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में एक पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम डेडिकेटेड है केवल महिलाओं के लिए, जिसका नाम है सुप्रजा। इसके अंदर मैटरनल हेल्थ केयर, नियोनेटल हेल्थ केयर, मतलब प्री नेटल से लेकर के पोस्ट नेटल और पूरा विमेन का, पूरे साइकिल का, उसका जो भी प्रॉब्लम हो सकती है उससे रिलेटेड हमने ये स्कीम किया है। तो यदि किसी भी महिला को कुछ भी समस्या होती है तो वो आयुष के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पे या प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सेकेंडरी या जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है या हमारे टर्शरी केयर सर्विसेज में भी जा कर के इस तरीके की सुविधाएं ले सकती है। इसके बारे में विस्तृत गाइडलाइन हमारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध है जी। और मैम, हमने एक चीज़ ये भी देखी, खासतौर पर कोविड के समय के बाद से लोग अपने स्वास्थ्य को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी जागरूक हो गए हैं और सरकार भी इस पर काफ़ी फोकस कर रही है। प्रधानमंत्री की तरफ से भी हाल में 3 ऐसे सेंटर्स का उद्घाटन किया गया और 2022 आयुष मंत्रालय के लिए काफ़ी बेहतर रहा, बहुत अच्छे इसके परिणाम रहे हैं। तो इन सेंटर्स में किस तरह की सुविधा होगी, जो कि एक सेंटर गोवा में है और नरेला में भी एक सेंटर है ऐसा ही, तो किस तरीके की सुविधाएं हैं इनमें? 2022 वास्तव में आयुष के लिए बहुत अच्छा साल रहा, क्योंकि 19 अप्रैल 2022 को WHO ग्लोबल सेंटर ऑफ ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि एक अकेला UN का आउटपोस्ट है जो कि UN से बाहर है, वो इंडिया में है। तो ये ट्रेडिशनल मेडिसिन के लिए, भारत के लिए और आयुष के लिए या जितनी भी हमारी ट्रेडिशनल मेडिसिन है, कन्वेंशनल मेडिसिन है, उसके लिए बहुत अच्छी बात है। साथ में इन तीनों सेंटर्स के अंदर केवल आयुष की हेल्थ की ही फैसिलिटी नहीं दी जा रही है, यहाँ पर एजुकेशन का भी काम किया जाएगा और OPD और IPD और रिसर्च एंड डेवलपमेंट, हर्बल मेडिसिन, एवरी सेक्टर होलिस्टिक रूप से इन तीनों सुविधाओं में किया गया है, जो कि एक गाजियाबाद में यूनानी का है, गोवा में आयुर्वेदा का है और नरेला में, दिल्ली में होम्योपैथी की सुविधा है। ये तीनों ही देश के लिए 2022 में अच्छा कंट्रीब्यूशन। जैसा कि आपने ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की बात की और WHO का ये सेंटर जो है भारत में है, तो कहीं ना कहीं जो हमारे यहाँ की खासियत है या फिर हमारी विरासत है, आयुर्वेद है, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी पहचान मिलती है इससे, तो इससे भी हम इस तरीके से देख सकते हैं। अभी कोविड वाले में आयुष को बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार मिला, लेकिन ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि ट्रेडिशनल प्रैक्टिस चली आ रही है उसकी वजह से। हमने कोविड के समय एक ई एप्लीकेशन, मोबाइल ऐप लेकर के आए थे, उसका नाम था संजीवनी। उस मोबाइल ऐप पे हमने लोगों से डेटा लिया, अराउंड 1.5 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन से, और 1.5 करोड़ में से 7.5 लाख का हमने एनालिसिस किया एंड वी फाउंड दैट 85% लोगों ने आयुष की एडवाइजरीज और आयुष की जो दवाइयाँ हैं उसका, जैसे आयुष क्वाथ है जिसका हमारे ऑनरेबल PM ने भी कई बार बोला है, उसके अलावा कबासर कुडिनर है, आर्सेनिक एल्बम है, इन सबका लोगों ने इस्तेमाल किया, 85% ने बताया। और आपको ये अच्छा लगेगा कि 89% पॉपुलेशन ने ये भी कहा कि उनको इससे बेनिफिट हुआ है जी। तो ये एक जो WHO का ट्रेडिशनल सेंटर यहाँ आने से, अभी एट प्रेजेंट पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही नहीं है कि केवल इंडिया में ट्रेडिशनल मेडिसिन है, अराउंड 88% कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर यूजिंग ट्रेडिशनल मेडिसिन। तो WHO इसके अंदर काफ़ी प्रोग्रेस कर रहा है और इन्होंने इसको पूरा रिसर्च के अंदर हर कंट्रीज को सपोर्ट करने के लिए इस पे काम करना शुरुआत किया है जी। बिल्कुल। और इसके अलावा मैम, मैं ये भी समझना चाहूँगी कि जैसे महिलाओं के बारे में आपने बताई और हमने ये भी देखा है कि ये बिहेवियरल काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं, खासतौर पर बच्चों में, जो कोविड के दौरान जो समय रहा जब बच्चे घरों के अंदर रहे, तो इसे एक बीमारी के तौर पर भी हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन बिहेवियरल चेंजेस हम देख रहे हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारी जो पद्धतियाँ हैं उनमें इन्हें भी शामिल किया जाता है, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रोग्राम है? हमारा जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम 8 मैंने आपको बताया है, उसमें से 2 प्रोग्राम है जिसमें हम बच्चों के ऊपर फोकस कर सकते हैं। एक है बिहेवियर कम्युनिकेशन वाला प्रोग्राम है, इसके अंदर बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन के अंदर जो आयुष फिजिशियंस हैं वो मोबाइल यूनिट की तरह, मोबाइल आयुष मोबाइल यूनिट होती है, मतलब यदि विलेजर आपके पास नहीं पहुंच पाता है तो हम डोर टू डोर उसकी डिलीवरी कर सकते हैं। साथ में एक अदर प्रोग्राम और है जिसका नाम है आयुर्विद्या।
आयुष विद्या, जिसमें स्कूल्स में जाकर के जो आयुष फिजिशियन है वो उसके बारे में प्रैक्टिसेस बता सकता है। और हमारा योगा एंड नेचुरोपैथी का जो कंपोनेंट है, जिसमें मतलब इंटरनेशनल डे ऑफ योगा तो आपने सुना ही है, और अभी हम डिफरेंट काउंटडाउन डे भी मनाते हैं, उसके थ्रू हम हर स्कूल को, हर बच्चे को ये अपील करेंगे कि आप मतलब कोरोना के टाइम पे क्या हुआ कि हर जना ये भूल गया है कि हाउ टू ब्रीद, हाउ टू सिट, हाउ टू ईट, मतलब ये सारी चीज़ों को वापस से अपना कैसे बिहेवियर चेंज किया जाए। और नॉट ओनली बच्चे, बड़ों में भी ये लाइफ स्टाइल चेंजेज आने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन एंड योगा एंड नेचुरोपैथी आई विल रिकमेंड कि सब जने को लाइफ स्टाइल डिजीजेज से इसको देखना चाहिए। आज आपको ये भी लगेगा कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज जो ये हमारी है ना, कैंसर, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी इतना बढ़ गई है, और इसका बर्डन एज कम्पेयर टू कम्युनिकेबल डिजीजेज 2% मतलब 50% ज़्यादा है। तो इसको रिड्यूस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि लाइफ स्टाइल डिजीजेज को करने के लिए योगा एंड नेचुरोपैथी और ये हमारे ट्रेडिशनल मेडिसिन की विधाएँ ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। जी बिल्कुल मैम, जैसे कि आपने बताया कि 2022 बहुत अच्छा रहा आयुष मंत्रालय के लिए, बहुत उपलब्धियाँ इसमें दर्ज की गई, और 2014 से इसकी शुरुआत की गई है, और जहाँ तक मेरी जानकारी है 2026 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। इस पूरे तो इसमें क्या टारगेट्स हैं, किन किन टारगेट्स को अचीव करने के लिए ये समय बढ़ाया गया है, और अभी तक की मुख्य उपलब्धियाँ क्या रही? अभी तक की नेशनल आयुष मिशन की उपलब्धियाँ एक बहुत बड़ा स्टैटिस्टिक्स है जो कि हर कंपोनेंट में है। यहाँ पर दो तीन चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है वो ये कि एक तो क्वालिटी ऑफ मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इम्प्रूव कर दिया, एक्सेसिबिलिटी अवेलेबिलिटी भी बढ़ा दी है, लेकिन मेडिसिन एक तरीके से प्रॉपर तरीके से सप्लाई हो हर जगह पर, उस मेडिसिन का क्वालिटी अच्छा हो उसको भी इंश्योर हम कर रहे हैं। और एक और चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि 2022 में ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन समिट भी फर्स्ट टाइम इंडिया में हुआ था, जिसके अंदर मोर देन 70 नेशंस पार्टिसिपेटेड। तो आयुष का एक्सपोर्ट का सेक्टर भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। नेशनल आयुष मिशन के माध्यम से हर स्टेट और यूटी उसका पार्ट बन रहा है, और आयुष ग्राम एक और कंसेप्ट हमारे नेशनल आयुष मिशन में है जो हम आने वाले टाइम में और ज़्यादा प्रोपोगेट करना चाहेंगे, जिसमें हम विलेज के एक कॉन्ग्लोमरेशन को अडॉप्ट करते हैं। जैसे विनोबा भावे के समय पे गांवों को अडॉप्ट किया जाता था, वैसे ही आयुष ग्राम एक यूनिट है जिसको अडॉप्ट किया जाएगा, वहाँ पे आयुष की प्रैक्टिसेस के थ्रू ही उस विलेजेज की सारी हेल्थ एंड वेलनेस को सुनिश्चित करने का कार्यक्रम हम करना चाहते हैं। बिल्कुल, अंत में मैम एक और सवाल आपसे कि मान लीजिए हमारे दर्शक जो देख रहे हैं, जो किसान देख रहे हैं, उनके मन में अब यही सवाल आ रहा होगा कि इस योजना का लाभ कैसे उठाएं, क्या इसका कोई कार्ड बनता है, कहाँ वो जाए अगर वो इन विधाओं से लाभ लेना चाहते हैं, वो बेहतर जीवन जीना चाहते हैं। किसानों के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि पहले 2021 तक नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड, जो मेडिसिन वाला कंपोनेंट था, हर्बल मेडिसिन वाला कंपोनेंट, उसके कल्टीवेशन के लिए कंजर्वेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका मैनेजमेंट, वो पार्ट होता था नेशनल आयुष मिशन का। अभी उसको सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम की जगह सेंट्रल सेक्टर स्कीम का पार्ट बना दिया गया है, लेकिन वो भी अभी आयुष मंत्रालय के पास ही है, नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। उसी तरीके से स्टेट में स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड है। तो किसान दो काम कर सकते हैं, पहला तो स्टेट मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के वो टच में रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपने यदि कोई नर्सरी में पौधा उगाया है या फिर आप उगाना चाहते हैं तो क्या क्या सुविधाएं उनके लिए उपलब्ध है, वो सुविधाएं भी ले सकते हैं, और आगे कैसे वैल्यू एडिशन करके उसको मार्केट में बेचा जा सकता है, वो चीजें भी वो प्राप्त जानकारी कर सकते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आप स्टूडियो में आई और इतने विस्तार से इस योजना के बारे में जानकारी दी, और हमारे दर्शक, हमारे किसान जो सुन रहे हैं, जरूर इससे लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। नमस्ते, धन्यवाद। तो ये था हमारा आज का अंक, जिसमें हमने बात की राष्ट्रीय आयुष मिशन के बारे में, इसके घटकों के बारे में आपको विस्तार से बताया, आपने जाना कि कैसे आप बेहतर स्वास्थ्य के लिए इस योजना से जुड़ सकते हैं। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम ज़रूर आपको पसंद आया होगा और आप भी इस योजना से लाभ उठा पाएंगे। अगर आपके कोई सुझाव है, कोई फीडबैक है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, सरकार@gmail.com। अगर आप सोशल मीडिया के माध्यम से हमें संपर्क करना चाहते हैं
चाहते हैं तो फेसबुक पर जाएं, सरकार आपके साथ सर्च बॉक्स में टाइप करें और फेसबुक से भी आप हमसे जुड़ें। इसके अलावा हमारा टोल फ्री नंबर भी है जो कि आपके लिए उपलब्ध है, निःशुल्क है नंबर। आप हमारा नंबर नोट कर लें, 1800-113-060। तो आपके फीडबैक, आपके सुझाव, आपकी राय का हमें इंतज़ार रहता है। और अगर आप चाहते हैं कि किसी खास योजना के बारे में हम आपको विस्तार से जानकारी दें तो भी आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भी हमें बता सकते हैं। फिलहाल यहां लेंगे आपसे इजाजत। नए अंक में एक नई योजना के साथ फिर होगी सरकार आपके साथ में मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।